लेट्स कंटिन्यू विद द बैनर एंड देखते हैं क्या क्या चाहिए बच्चे हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं पाँच सारी कंप्लीट करेंगे। फिर सबसे पहले तो क्या चीज़ है यहाँ पे कि टाइप थर्ड ऑफ द सीरीज। टाइप थर्ड में क्या है कि सीरीज कंटेन्स प्रोडक्ट of two binomial coefficients such that sum of the lower या फिर subscript of both is constant or can be made constant। ठीक है, और ये बहुत सिंपल सी सीरीज है। ठीक है, ध्यान से समझो क्या चीज बोल रहा है। सबसे पहले तो हर एक टर्म के अंदर दो बाइनोमियल जो कोएफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट है। ठीक है, और जो दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं उनके जो नीचे लगने वाली चीज होती है एमसीआर, जो आर वाली पार्ट होता है, दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का ये वाला पार्ट को ऐड करूंगा तो वो कांस्टेंट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो क्या बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ है, ध्यान से समझ रहा ये चीज़। इन दोनों का सम क्या आ रहा है एन प्लस थ्री, इन दोनों का सम क्या जा रहा है एन प्लस थ्री, इन दोनों का सम क्या जा रहा है एन प्लस थ्री। तो यहाँ पे जो लोअर सबस्क्रिप्ट आ रहा है राइट, एक पर्टिकुलर टर्म के अंदर जो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है उन दोनों के लोअर सबस्क्रिप्ट का सम जो आ रहा है दैट इज नथिंग बट कांस्टेंट। ठीक है, वो क्या आ रहा है, वो कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, अब कांस्टेंट तो आ गया तो ये पता चल गया कि यस ये वाला पर्टिकुलर मेथड यूज हो रहा है, इसके अंदर ये वाला पर्टिकुलर सीरीज आ गया। अब इसके अंदर करना क्या, ठीक है पॉइंट इज कि अब इसके अंदर करना क्या, अब इसके अंदर क्या करना होता है, तुम्हें दो सीरीज लेके जानी है। ठीक, पहली वन प्लस एक्स की पावर एन की, ये वाला है जो पहले का अपर सबस्क्रिप्ट होता है ये, एंड दूसरी सीरीज लेनी है वन प्लस एक्स की पावर दूसरे का अपर सबस्क्रिप्ट दैट इज एन प्लस टू। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा, ठीक क्या चीज आएगी, दिस शुड बी योर एन सी जीरो एक्स की पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर टू प्लस साउंड टेल एन सी एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी एन एक्स की पावर एन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ठीक है, दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय ये वाली चीज, और ये वाली चीज क्या है हमारी, दैट इज देखो एन प्लस टू सी थ्री सॉरी सी जीरो एक्स की पावर जीरो प्लस एन प्लस टू सी वन एक्स की पावर वन प्लस एन प्लस टू सी टू एक्स की पावर टू प्लस एन प्लस टू सी थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस ऑन टिल एन प्लस टू सी एन प्लस टू
एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर एन प्लस टू, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर एन प्लस टू। तो ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बन गया वन प्लस एक्स की पावर टू एन प्लस टू, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो, मेरे को राइट हैंड साइड में इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है, मेरे को इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, मेरे को बस ये चीज देखनी है कि जब ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या बनेगा, कौन सा एक्स की पावर बनेगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या आ रहा है, एनसीएन एक आ रहा है ये वाली टर्म, फिर आ रहा है एन प्लस टू सी थ्री, एक आ रही है ये वाली टर्म। तो देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, एक्स की पावर एन प्लस थ्री, क्या क्वेश्चन जाएगा, एन सी एन इन टू एन प्लस टू सी थ्री प्लस। और फिर सोचो जब इसके अगली वाली टर्म होगी इसके अंदर एक्स बार फोर आएगा, इसके जो पिछले वाली टर्म है उसके अंदर एक्स बार एन माइनस वन, इन दोनों को मैंने अब मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, अगेन एन सी एन माइनस वन इन टू एन प्लस टू सी फोर, ठीक। फिर इसके पिछले वाली टर्म, फिर उसके भी अगले वाली टर्म, तो क्या आ जाएगा, एन सी एन माइनस टू इन टू एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अपने को गिवन सीरीज है ये क्या मिला अपने को, ये मिला दैट इज नथिंग बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा एक्स की पावर एन प्लस थ्री का कोफिशियंट आ रहा है, राइट, ये वो चीज आ रही, राइट। अब यार एक चीज ध्यान से समझना मेरी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई That is equal to x plus y का स्क्वायर, राइट, ठीक। अच्छा कहने का मतलब ये है, चलो एक एक रुको एक सेकंड, मैं एक दूसरे एग्जांपल लेता हूँ। हाँ जी, अब कहने का मतलब ये है, ये आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर रहेगा और हर एक टर्म भी बराबर आएगी। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जब मैं ओपन करूंगा तो उसके अंदर जो एक्स की पावर टू का कोएफिशिएंट आएगा और जो राइट हैंड साइड से एक्स की पावर टू का कोएफिशिएंट आएगा, ऑब्वियसली ये दोनों के दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो इधर से एक्स की पावर टू का कोएफिशिएंट क्या आएगा, दैट इज थ्री सी टू एक्स की पावर टू, ठीक है, इस तरीके से जाएगा थ्री सी जीरो एक्स की पावर जीरो प्लस थ्री सी वन एक्स की पावर वन प्लस थ्री सी टू एक्स की पावर टू प्लस थ्री सी थ्री एक्स की पावर थ्री, ठीक है, ये चीज आएगी। तो इधर जो एक्स की पावर कोएफिशिएंट होगा वो थ्री सी टू जा रहा है, थ्री सी टू कितना होता है थ्री, तो लेफ्ट हैंड साइड जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मेरे को सेम कोएफिशिएंट मिलेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड मिल क्या रहा है, एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। अब देखो एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा मेरे को, जब ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी एंड ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, तो क्या मिला, वन प्लस वन इंटू टू, आई कैन से दैट ये दोनों बराबर है, वन प्लस वन इंटू टू इज नथिंग बट थ्री सी टू, राइट। तो क्या करना क्या है, हमने राइट हैंड साइड कोएफिशिएंट जनरेट किया ये एंड लेफ्ट हैंड साइड अब कोएफिशिएंट जनरेट करेंगे इसका, तो इसका कोएफिशिएंट इधर क्या आ जाएगा, इसकी जनरल टर्म क्या होती है इसकी, दैट इज टू एन प्लस टू सी आर एक्स की पावर आर, इसका समीशन होता है, राइट। तो ये इसकी जनरल टर्म होती है। अब इसकी जनरल टर्म में मेरे को एक्स की पावर एन प्लस थ्री चाहिए, तो आर की जगह एन प्लस थ्री पुट कर दो तो क्या आएगा तुम्हारा, दैट इज टू एन प्लस टू सी एन प्लस थ्री। तो अब ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, यानी कि जो रिक्वायर्ड सीरीज थी उसका सम क्या गया, दैट इज नथिंग बट टू एन प्लस टू सी एन प्लस थ्री, दैट्स इट। तो दिस इज द सम ऑफ द गिवन सीरीज, ठीक है, ध्यान से दोबारा अगेन सीरीज क्या है हमारी, ठीक ठीक है, सीरीज क्या है हमारी, सीरीज कंटेन्स प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोएफिशिएंट सच दैट उनका जो लोअर सबस्क्रिप्ट आ रहा है उनका जो सम है दोनों का, राइट, वो या तो कॉन्स्टेंट है या तो कॉन्स्टेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे ये चीज थी तो एन सी एन एन प्लस टू सी थ्री प्लस एन सी एन माइनस वन एन प्लस टू सी फोर प्लस एन सी एन माइनस टू एन प्लस टू सी फाइव एंड सो ऑन। अब इनका लोअर सबस्क्रिप्ट को अगर मैं देखूँ ध्यान से, ठीक है, तो क्या चीज आ रही है, एन एन थ्री एन माइनस वन फोर एन माइनस टू फाइव, इन सबको सम वगैरह करोगे तो ये एन प्लस थ्री जाए। तो मैंने क्या किया, हमेशा हम यही वाली सीरीज लेके जाएंगे, तो एन सी एन
एन सी एन माइनस वन एन सी एन माइनस टू इनके कॉरस्पॉन्डिंग भी मैंने सीरीज ली वन प्लस एक्स की पावर एन, एंड जो दूसरी चीजें आ रही हैं दैट इज एन प्लस टू सी थ्री राइट एन प्लस टू सी फोर एन प्लस टू सी फाइव इनके कॉरस्पॉन्डिंगली मैंने सीरीज ली वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस टू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया एंड थोड़ा सा ओवरऑल देखा कि कौन सी दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक गिवन सीरीज फॉर्म हो रही है और उनके लिए एक्स का क्वेश्चन क्या जा रहा है, तो एक्स का क्वेश्चन जा रहा था एक्स की पावर एन प्लस थ्री, ये सारी की सारी सीरीज आ गई। यानी कि राइट हैंड साइड में ठीक, अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्स की पावर एन प्लस थ्री का क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है रिकर्सिव, तो लेफ्ट हैंड साइड भी एक्स की पावर एन प्लस थ्री का क्वेश्चन निकालेंगे और इन दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, एक्स की पावर एन प्लस थ्री का क्वेश्चन निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे, और मैंने वही चीज समझाई कि वो दोनों हमेशा बराबर होंगे। अब इसके अंदर एक्स की पावर एन प्लस थ्री का क्वेश्चन ढूंढना बहुत सिंपल है, क्योंकि इसकी जनरल टर्म होती है टू एन प्लस टू सी आर एक्स की पावर आर, तो एक्स आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आर की ये वैल्यू होनी चाहिए एन प्लस थ्री, इसलिए आर जो है ये एन प्लस थ्री होना चाहिए, तो ये बन जाएगा टू एन प्लस टू सी एन प्लस थ्री। इसके हिसाब से हमारा फाइनल आंसर आया टू एन प्लस टू सी एन प्लस थ्री। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, सराब शिवाय सॉरी उदय रितेश आर्यन क्लियर है सर? ठीक है चलो गुड गुड। अच्छा अगर ये चीज क्लियर है ठीक, तो ये क्वेश्चन देखो जरा, सर जो आपने पहली सीरीज लिखी है जिसके लास्ट में वो टू शायद वो कुछ और आना, वो आर फिर कांस्टेंट ही रहेगा ना, ठीक है? यस सर।
ध्यान से करना प्लीज। हाँ जी, तो फर्स्ट वाला एक क्वेश्चन एंड एक्चुअली में फर्स्ट टू क्वेश्चन सेम है, ठीक है। देखो जरा क्या करना है, इनमें फर्स्ट वाले में तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो लोअर सबस्क्रिप्ट है उनका सम जो है वो कॉन्स्टेंट है, दैट इज एन, राइट। तो याद आएगा 1 प्लस एक्स की पावर एन इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2 एन, दैट इज एन सी एन एक्स की पावर एन प्लस, उल्टा लिख रहा हूँ, एन सी एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस एन सी एन माइनस 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस सो ऑन, दैट इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको सीधा लिखूंगा 2 एन सी 0 एक्स की पावर 0 प्लस 2 एन सी 1 एक्स की पावर 1 प्लस 2 एन सी 2 एक्स की पावर 2 प्लस सो ऑन। अब जब उनको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद दिस एन सी एन इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 2 एन सी 0, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स की पावर एन आ जाएगा। ऐसे जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे एक्स बार एन, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके एक्स बार एन, तो बेसिकली ये जो सीरीज जा रही है ये एक्स की बार एन जा रही है, राइट। तो इधर से एक्स की बार एन चाहिए तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज 1 प्लस एक्स की पावर 3 एन, तो इधर से एक्स की पावर एन क्या आएगा, दैट इज नथिंग बट 3 एन सी एन, सो फाइनल आंसर इज 3 एन सी एन। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। अच्छा, और जो सेकेंड सीरीज थी देखने में वो डिफरेंट लग रही है लेकिन है वो सेम, ठीक। ध्यान से देखो कैसे, कि पहले तो ये ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का जो जा रहा है, सॉरी नॉट डिनोमिनेटर, लोअर सब्सक्रिप्ट जो जा रहा है दोनों का वो कांस्टेंट नहीं जा रहा, राइट। पहले में क्या जा रहा है, जीरो फिर टू फिर फोर एंड सो ऑन, तो लेकिन इनको कॉन्स्टेंट बनाया जा सकता है क्या, डेफिनेटली। कैसे, इसको लिखा फिर से एन सी एन माइनस आर फॉर्मूला लगा के, याद आएगा एन सी एन और याद आएगा टू एन सी जीरो प्लस याद आएगा एन सी एन माइनस वन टू एन सी वन, याद आएगा एन सी एन माइनस टू टू एन सी टू प्लस सम, ठीक है। अब बिल्कुल अब क्या आ रहा है, एन आ रहा है। अब जैसे एन आ गया तो इसकी पहले की सीरीज लिखो, दूसरे की सीरीज लिखो, वे डन। तो पहले की सीरीज की जा रही है 1 प्लस एक्स की पावर एन इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 2 एन, और ये भी चीज इधर मल्टीप्लाई करके एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट चाहिए, तो इधर आ जाएगा हमारे एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट, तो दैट इज 1 प्लस एक्स की पावर 3 एन में से, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 3 एन सी एन, तो इस तरीके से ये भी फाइनल आंसर है, राइट। तो पहले दोनों का आंसर जो जा रहा है वो 3 एन सी एन जा रहा है, दोनों सीरीज सेम थी। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, रितेश, उदय, आर्यन, सरप, क्लियर है पहले दोनों, ठीक ठीक ठीक। अगला देखो जरा थर्ड, ठीक है। अच्छा आप ध्यान से देखो अगेन, ये जा रहा है 6, 8, 10 एंड सो, राइट। तो क्या इनको कॉन्स्टेंट अगेन बनाया जा सकता है, बिल्कुल। यहाँ पे एन सी एन माइनस आर लिख दो, ठीक, तो क्या जाएगा एन सी थ्री सॉरी एन माइनस वन सी एन माइनस थ्री सी, अब आगे क्या जाएगा, दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा एन माइनस सेवन, ठीक है। ये टू एन प्लस वन सी टू है, दैट इज प्लस ये एन सी थ्री सी, इधर आ जाएगा एन माइनस एट, ये टू एन प्लस वन सी थ्री एज इट इज, ठीक है। ये आ जाएगा एन माइनस थ्री सी एन माइनस नाइन टू एन प्लस वन सी फोर एज इट इज, ठीक है। तो ये चीज आ गई, अब ध्यान से देखो, अब दोनों का नीचे वाले दोनों का सम क्या जा रहा है, दैट इज एन माइनस फाइव, ठीक है, सबका सेम जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, पहले वाले की सीरीज उठाएंगे, वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस थ्री इंटू वन प्लस एक्स की पावर टू एन प्लस वन, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें, ध्यान से देखो किसका कोफिशिएंट चाहिए रहता है, कोफिशिएंट चाहिए टोटल एन माइनस फाइव, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स की पावर एन माइनस फाइव का। याद रखना ये कोफिशिएंट कैसे पता चलता है, किसका कोफिशिएंट चाहिए, राइट, ये खुद ने मल्टीप्लाई करके देखना, यहाँ से हमें हिंट मिलती है कि जैसे पहला क्वेश्चन किया मैंने, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना जा रहा है, एन जा रहा है, राइट। तो वही एक्स की पावर हमें चाहिए राइट हैंड साइड से, तो एक्स बार एन चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से भी एक्स बार एन लिखा तो याद है, ठीक। वही चीज इधर है,
लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना जा रहा है n माइनस फाइव, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें क्या चाहिए, x की पावर n माइनस फाइव चाहिए, याद रखना। और जैसे x पर n माइनस फाइव मिलेगा वो अपने आप ही यही चीज बन जाएगी, वो अपने आप ही यही वाली सीरीज बन जाएगी, या फिर ये जो मॉडिफाइड सीरीज है हमारी ये बन जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड से भी हमें क्या चाहिए, वन प्लस एक्स की पावर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ये कितना आ गया, थ्री एन माइनस टू। अब इधर से भी हमें x की पावर n माइनस फाइव चाहिए, तो क्या आ जाएगा हमारा, 3n minus 2c n minus 5. So this is the final answer. हाँ जी, please confirm करो, clear हुआ? क्या किया इसमें? Yes sir. उदय, कृतेश clear है? Yes sir. ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा last question. Last question काफी interesting है. ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज जा रही है, स्केयर जा रहा है, राइट। तो ये आ गया एन सी जीरो इंटू एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एन सी वन प्लस एन सी टू इंटू एन सी टू प्लस एन सी थ्री इंटू एन सी थ्री प्लस सोन टिल एन सी एन इंटू एन सी एन। अब इसको लिखा एन सी एन माइनस आर फॉर्मूला लगा गया एन सी एन, और ये एज इट इज दैट इज एन सी जीरो। इसको लिखा एन सी एन माइनस वन, इसको एन सी वन एज इट इज। इसको लिखा एन सी एन माइनस टू, एन सी टू एज इट इज प्लस एन सी एन माइनस थ्री, एन सी थ्री प्लस ऑन टिल याद आएगा एन सी जीरो, एन सी एन एज इट इज। तो दोनों का सम कितना जा रहा है, एन। तो मेरे को पहले वाला उठाया वन प्लस एक्स की पावर एन, दूसरे वाला उठाया वन प्लस एक्स की पावर एन, इनका प्रोडक्ट करके क्या चीज चाहिए मेरे को, एक्स की पावर एन का कोएफिशिएंट चाहिए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, 1 plus x की पावर 2n, तो इधर से आएगा 2n c n, that is x power n का function, so that is answer. तो given series का जो सम जा रहा है वो जा रहा है 2n c n। हाँ जी सर, सही था? जी सर। गुड गुड, ठीक है चलो। तो ये सीरीज थी, ये इनमें से जो फर्स्ट एंड थर्ड सीरीज जो आज की हमने और जो कल पहले की थी, ये दोनों सीरीज ज्यादा फेमस है, मतलब ये दोनों के चांसेस जो है आने के ज्यादा होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो बाइनोमियल में हमारा चीज बची है ना, वो छोटी छोटी चीजें बची हैं दो तीन, ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो चलो उनको पहले हम देखते हैं, ठीक है, क्या करना कैसे करना। जैसे अभी जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, दैट इज मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है, ये बहुत सिंपल सा पार्ट है। क्या करेंगे इसके अंदर, तीन टर्म्स की पावर एन को एक्सपेंड करेंगे। जैसे बाइनोमियल में क्या होता है, टू की पावर एन होता है, ऐसे इसके अंदर थ्री टर्म्स की पावर एन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, जैसे एग्जांपल, लेट्स से वो बोल रहा है कि हमारे पास है के वन एक्स प्लस के टू वाई प्लस के थ्री जेड की पावर एन। इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स की पावर अल्फा इंटू वाई की पावर बीटा इंटू जेड की पावर गामा का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक, ये चीज क्या होगी। अच्छा, तुमने ना अभी तक एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि x प्लस वाई की पावर n के अंदर, ठीक है, x प्लस वाई की पावर n के अंदर जितनी भी टर्म्स आती थी, राइट, n प्लस वन टर्म्स, हर एक टर्म के अंदर जो x की पावर होती है, राइट, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर एंड सेकेंड टर्म y की पावर r होता है, तो दोनों का सम कितना होता था हमेशा n, यानी कि वो ये n के बराबर है। यानी कि हर एक टर्म के अंदर जो जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं उन सारे वेरिएबल्स की पावर का जो सम होता है, राइट, वो कितना होगा, जो हमारा ओरिजिनल बाइनोमियल की पावर होती है, राइट, वो चीज है। अब ऐसे ही इसके अंदर भी रहेगा, मतलब हर एक इसकी जब एक्सपेंड करेंगे, हर एक टर्म के अंदर जो एक्स की पावर वाई की पावर जेड की पावर तीनों की पावर जाएगा, इन तीनों की पावर का जो सम होगा, पावर का सम क्या होगा, दैट इज वो एन के बराबर होगा। अगर एन के बराबर नहीं है तो वो वाली टर्म आ नहीं सकती। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे के वन एक्स प्लस लेट से चलो 1x, 2y एंड 3z की पावर, लेट से मैं कर रहा हूं 10,
तो क्या इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 3 ये टर्म आ सकती है? नहीं आ सकती, क्यों? क्योंकि इन सबका सम कितना जा रहा है 8। तो इसकी एक्सपेंशन के अंदर हर एक टर्म के अंदर जो हर एक टर्म जो रहेगी उसके हर एक टर्म की जो पावर है वैसे हर एक टर्म की जो जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं हर एक टर्म के अंदर उन सब टर्म उन सब वेरिएबल्स की पावर का जो सम होगा वो ये एन के बराबर यानी कि वो 10 के बराबर होना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है यानी कि ये टर्म नहीं आ रही तो अपने आप इसका कोफिशिएंट तुम क्या बोल सकते हो कि इसका कोफिशिएंट जो होगा वो 0 होगा, क्यों? क्योंकि ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करती ना इन दैट केस। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर आगे दो केसेस आएंगे कि इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज एन एंड इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज नॉट एन, अगर तो नॉट एन है तो कोफिशिएंट जो होगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, अगर तो एन नहीं है राइट, जैसे ये वाले केस में, क्योंकि अगर एन है ही नहीं तो वो वाली टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब अगर वो वाली टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, सबसे पहले तो ये आ गया। अब सेकंड इज कि अगर वो एन है ठीक है तो कोफिशिएंट क्या जाएगा? पावर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब सबसे पहले एक्स की पावर जो करना है उसका फैक्टोरियल, एक्स की पावर हमें क्या चाहिए? अल्फा, तो अल्फा फैक्टोरियल। फिर वाई की पावर जो चाहिए उसका फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल। फिर जो जेड की पावर चाहिए उसका फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल इनटू, अब एक्स का क्वेश्चन के वन है तो ये अल्फा टाइम्स आएगा तो ये के वन की पावर अल्फा हो जाएगा, फिर ये के टू की पावर बीटा हो जाएगा, एंड जेड जो आ रहा है वो गामा टाइम्स आ रहा है तो के थ्री की पावर गामा हो जाएगा। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर अल्फा वाई की पावर बीटा एंड जेड की पावर गामा। ठीक है, इन दिस ये हमारा मेन रूल। तो दिस इज द टोटल मल्टीनोमियल थ्योरम। अगेन क्या चीज बोल रही है कि थ्री टर्म्स जो हैं उसकी पावर एन अगर हमें करना है तो दो केसेस हैं, अगर जो टर्म पूछी जा रही है जिसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट, अगर उनके अंदर जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं उन सबकी पावर का सम एन नहीं जा रहा। बिल्कुल हाँ, तो जो कोफिशिएंट है वो रहेगा 0। एंड इन केस अगर तीनों वेरिएबल्स की पावर का जो सम है वो एन जा रहा है तो इन दैट केस हमारा क्या रहेगा? कोफिशिएंट्स क्या रहेगा, मतलब कोफिशिएंट क्या क्रिएट होगा? एक्स की बार अल्फा, वाई की बार बीटा, जेड की बार गामा का, दैट इज पावर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा फैक्टोरियल बीटा फैक्टोरियल गामा फैक्टोरियल जो भी इंडिविजुअल एक्स वाई जेड की पावर चाहिए इनटू फिर एक्स का कोफिशिएंट का पकड़ के उसकी पावर, वाई का कोफिशिएंट पकड़ के उसकी पावर, जेड का कोफिशिएंट पकड़ के उसकी पावर करेंगे तो वो जो फाइनल चीज आएगी दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बार अल्फा, वाई की बार बीटा, जेड की बार गामा। ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो, ठीक है, 3x माइनस 2y प्लस 8z की पावर 20। ठीक है, इसके अंदर से कोफिशिएंट ढूंढना है, पहला x की पावर 5, y की पावर 7, z की पावर 8, दूसरा x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 20, तीसरा x की पावर 6, y की पावर 6, z की पावर 8। ठीक है, अच्छा एक फोर्थ x की पावर 14 एंड y की पावर 6, That's it. That है ही नहीं और z की पावर 0 हो गया बेसिकली। अब देखो इसका क्वेश्चन ढूंढना है तो सबसे पहले पावर्स का सम करके देखेंगे क्या वो सम जो है वो 20 जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, तो क्या जा रहा है? 12 प्लस 8 20, तो बिल्कुल जा रहा है 20। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल एंड इधर आ जाएगा x की जो कोफिशिएंट है वो आ रहा है 3, तो 3 की पावर 5, इधर आ रहा है y की पावर 7 है तो माइनस 2 की पावर 7 एंड इधर 8 है तो 8 की पावर आ जाएगा तुम्हारा 8। सो दिस शुड बी द आंसर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ इसमें? कोई डाउट तो नहीं? सर आप रितेश आर्यन क्लियर है सर? उदय यस सर सर ठीक ठीक। अब जैसे अगला वाला देखो, इसके अंदर क्या जाएगा? 0, क्यों? क्योंकि पावर्स का जो सम जा रहा है राइट 20 21 22, तो वो 20 के बराबर ही नहीं है तो इसलिए इन दोनों का इसका जो कोफिशिएंट आएगा एक्सपेंशन में वो 0 आएगा।
ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी टर्म। क्वेश्चन जीरो का मतलब टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब अगला डेफिनेटली 20 जा रहा है, 6 + 6 12, 12 and 8 20। अब इसका निकालेंगे कैसे, दैट इज अगेन 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर आ जाएगा 6, माइनस 2 की पावर आ जाएगा 6 एंड 8 की पावर आ जाएगा 8। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। एंड लास्ट लास्ट में बेसिकली इसको क्या लेके जाओगे, एक्स की पावर 14, वाई की पावर 6 एंड जेड की पावर 0। तो ये चला जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल एंड इधर आ जाएगा x का क्वेश्चन 3, तो 3 की पावर आ जाएगा 14, y का क्वेश्चन है -2, तो -2 की पावर आ जाएगा 6 एंड z का क्वेश्चन है 8, तो 8 की पावर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से ये चीज निकालेंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। ठीक ठीक अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ यही k1x + k2y + k3z की पावर n। अब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने जाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखा गया। तो तीन चीजों की पावर n है, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जाएंगी n + 2c2। तो ये रहता है तुम्हारा n + 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये इसके साथ कटेगा n + 2 × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर इज n + 1 × n + 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो दिस इज आंसर। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, चलो सर, ये आपने n + 2c2 कैसे लिखा? n + 2c2 इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है बेसिकली, ठीक है, कि अगर k टर्म्स आ रही है तो उसके लिए इसका क्या रहेगा। k टर्म्स का मतलब, ठीक है, कि x1 + x2 + xk की पावर n अगर है, तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है वो होती है n + k - 1 c k - 1। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, अब हमारा यहाँ पे तीन टर्म्स थी, राइट, तो तीन टर्म्स की पावर n करना था, तो k को 3 पुट कर दिया, राइट, क्योंकि तीन टर्म्स होनी चाहिए, k 3 होना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, n + 2c2। तो ये इसका फॉर्मूला समझा भाई? Yes, sir. ये चीज़ ठीक है, चलो। तो ये चीज थी, एक तो तुम्हारा मल्टीनोमियल, इसके अंदर दो ही चीजें हैं मेन मल्टीनोमियल में, कि कोई भी पर्टिकुलर टर्म पहले देखना कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगी या करेगी, अगर करेगी तो उसका क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना। देन लास्ट चीज इसके अंदर कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगे, तो दैट इज n + 1 × n + 2 / 2। अच्छा, ये तुम ऐसे भी निकाल सकते हो n + 1 × n + 2 / 2, ठीक, ऐसा देखो x + y + z की पावर n ऐसे करो, ठीक है, इन दोनों को मैंने एक सिंगल टर्म मान लिया, ठीक है, या फिर एक काम करो इन दोनों को सिंगल टर्म मान लो, तो क्या जाएगा, ये nc0 x की पावर n एंड y + z की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y + z की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 y + z की पावर 2 प्लस NC3 x की पावर n माइनस 3 y + z की पावर 3 प्लस फॉर्मूला NCn - 1 x की पावर 1 y + z की पावर n - 1 एंड NCn x की पावर 0 y + z की पावर n। अब ध्यान से देखना है चीज, ये तो सिंगल टर्म है, ये चीज इसके अंदर दो टर्म्स है, ये दोनों से मल्टीप्लाई होकर कितनी टर्म्स क्रिएट करेगा, दो ही करेगा, प्लस इसकी एक्सपेंशन में तीन टर्म्स आएंगे, तो ये मल्टी उन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होकर कितनी टर्म्स को क्रिएट करेगा, 3 टर्म्स क्रिएट करेगा। इसकी एक्सपेंशन में क्योंकि बाइनोमियल है ना, तो बाइनोमियल की पावर के बाइनोमियल के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, पावर जो होती है +1, राइट, तो पावर के जा रही है 3, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी 4। ये जो चीज है उन चारों टर्म से मल्टीप्लाई होकर कितने टर्म्स क्रिएट करेगा, 4 प्लस 17, इसके अंदर टोटल n+1 टर्म्स, ये हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर टोटल n+1 टर्म्स क्रिएट करेगा। तो बेसिकली ये ईपी का सम जा रहा है अप टू n+1, तो क्या आ जाएगा, n+1 × n+2 / 2। सर अब क्लियर हुआ? यस सर। राइट राइट, ठीक है, तो ये चीज थी। चलो अब आगे देखो जरा, नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट इज
लास्ट डिजिट कैसे निकालना, हायर पावर्स में लास्ट डिजिट किस तरीके से निकलेगा, वो चीज़ देखनी है। ठीक है, तो देखो इस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है ना, तो क्या होता है इन जनरल कि अगर मेरे पास n की पावर m है एंड इफ m इज इंक्रीज्ड, ठीक है, देन यूनिट डिजिट रिपीट्स इटसेल्फ इन अ साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, जैसे एग्जांपल 2 की पावर m है तो ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 एंड सो। तो देखो 2 की पावर 1 क्या होता है, इसका यूनिट डिजिट 2, इसका 4, इसका 8, इसका 16 होता है ना तो 6 आ जाएगा, इसका 32 होता है तो 2 आ जाएगा, इसका 64 होता है 4 आ जाएगा, इसका 128 होता है तो 8 आ जाएगा, इसका 256 होता है तो 6 आ जाएगा। क्लियरली ध्यान से देखो ये चारों रिपीट कर रहे हैं, ऐसे ही रिपीट करते रहेंगे। बात समझ आई क्या हो रहा था? तो वही बोला हमने इधर कि जैसे जैसे m को बढ़ाएंगे, ठीक, तो क्या होगा, यूनिट डिजिट जो है इट विल रिपीट इटसेल्फ इन अ साइक्लिक ऑर्डर, मतलब ये साइकिल आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, दैट्स आता रहेगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि 2 की पावर 4m, 2 की पावर 4m प्लस 1, 2 की पावर 4m प्लस 3 एंड 2 की पावर 4m सॉरी प्लस 1 प्लस 2 एन प्लस 3। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि भैया जो 2 की पावर जो भी होगा अगर वो 4 का मल्टीपल है तो 4 का मल्टीपल मतलब वो ये वाला क्वेश्चन शो करेगा, ये वाला यूनिट डिजिट शो करेगा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट होगा 6। अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है तो 1 रिमाइंडर पे क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 2 आ जाएगा, 2 रिमाइंडर पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 3 रिमाइंडर पे यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये पैटर्न समझ में आया? हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, ये पैटर्न समझ में आया? ठीक है, जैसे अब रैंडमली 2 की पावर 372, ठीक, वो बोल रहा है कि चलो 371, वो बोल रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो मैं देखूंगा कि ये जो चीज है ये कहाँ पे आ रहा है, राइट। तो कहने का मतलब अगर इसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो क्या चीज जाएगी, तो ये जाएगा तुम्हारा 368 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता, राइट। तो कहने का मतलब है 3 रिमाइंडर जाएगा, तो इट इज ऑफ द फॉर्म दिस, तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो 8 होगा, 2 की पावर 371 का यूनिट डिजिट जो होगा वो 8 होगा। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ सर? आप यस सर क्लियर है। उदय, कृतेश, आर्यन क्लियर है? हाँ जी यस सर। ठीक 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 है। अच्छा ये तो 2 का था, अब 3 का देख लो जरा। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8 एंड 3 की पावर 9 एंड सो। तो क्या जाएगा, 3 9 27 तो 7 81 तो 1 आ जाएगा। फिर से 3 से मल्टीप्लाई करो 81 को, 243 तो 3 आ जाएगा, फिर से ये 3 से मल्टीप्लाई करके 9 आ जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई करके 7, ये 1, ये 3, तो ये चारों का साइक्लिक ऑर्डर चलता रहेगा। ठीक, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 की पावर 4 के टाइप का जो है उसका आएगा 1, 3 की पावर 4 के प्लस 1 का यूनिट डिजिट आएगा 3, 3 की पावर 4 के प्लस 2 का यूनिट डिजिट आएगा 9 एंड 3 की पावर 4 के प्लस 3 का यूनिट डिजिट आएगा 7, इस तरीके से आता है। ठीक है, अच्छा अब एग्जांपल देखो, 2 की पावर 237 प्लस 3 की पावर 95, वो बोल रहा है इन दोनों का जो सम करके जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, तो मैं इसका यूनिट डिजिट निकालूंगा, इसका यूनिट डिजिट निकालूंगा, दोनों को सम कर दूंगा, दैट्स इट। तो इसका यूनिट डिजिट अब 237 है तो 4 से डिवाइड करो, ठीक है, तो 36 4 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर आएगा 1। तो रिमाइंडर 1 का मतलब क्या है कि जो 2 की पावर 1 वाला होगा वही इसका बनेगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो इसका यूनिट डिजिट में आएगा 2। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। 8 प्लस, अब इसको 4 से डिवाइड किया, ठीक, तो 4 से डिवाइड परफेक्टली जो होता है वो होता है 92, तो बचेगा 3, तो 3 रिमाइंडर वाला क्या जा रहा है 7, इधर आ जाएगा 7, तो टोटल यूनिट डिजिट जा रहा है 9, इन दोनों को ऐड करके जो यूनिट डिजिट जाएगा वो जाएगा 9। हाँ जी क्लियर हुआ कैसे निकालना है? यस सर।
राइट। अच्छा अब देखो जरा, देन नेक्स्ट इज फोर। तो फोर का अलग पैटर्न होता है, तो जैसे फोर की पावर वन, फोर की पावर टू, फोर की पावर थ्री, फोर की पावर फोर, फोर की पावर फाइव, फोर की पावर सिक्स, फोर की पावर सेवन। तो ये फोर, फोर फोर दिक्सटीन तो सिक्स, फोर थ्री ट्वेंटी फोर, सिक्सटी फोर तो फोर, फिर सिक्स, फिर फोर, फिर सिक्स, फिर फोर, फिर सिक्स। इस तरीके से इसका सिर्फ दो का ही साइकिल रिपीट करता रहता है, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा साइकिल नहीं आता, तो बेसिकली ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन है, ठीक है। तो फोर की पावर अगर टू एम टाइप का है तो जाएगा मेरा सिक्स, एंड फोर की पावर टू एम प्लस वन टाइप का है तो जाएगा फोर। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अच्छा देन आ रहा है फाइव, ठीक। तो अच्छा एक चीज ऑब्जर्व करना, अब ये ना चीजें मैं इकट्ठी बता रहा हूँ, ठीक है। फाइव की पावर एम एंड सिक्स की पावर एम इकट्ठा ही इन दोनों का बता रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का सेम टाइप का पैटर्न जाता है। अब देखो फाइव की पावर वन, फाइव, फाइव की पावर टू, ट्वेंटी फाइव, तो यूनिट डिजिट फाइव। फाइव की पावर थ्री, तो 125 यूनिट डिजिट 5। 5 की पावर 4, 625, तो यूनिट डिजिट 5। तो 5 की पावर 5 का भी 5 ही रहेगा, 5 की पावर 6 का भी 5 ही रहेगा। तो कहने का मतलब 5 की पावर m का यूनिट डिजिट हमेशा 5 है। ऐसे 6 की पावर 1 का 6, 6 की पावर 2, 36, तो 6, 6 की पावर 3, 216, दैट इज इसके अंदर भी 6 रहेगा। 6 की पावर 4, उसमें भी 6, 6 की पावर 5, उसमें भी 6। तो इस केस में 6 की पावर m का भी 6 ही जाएगा, ये कभी भी चेंज नहीं करेगा। सिमिलरली वन का एंड जीरो का वो भी ये जाता है, तो वन की पावर वन, वन की पावर टू, वन की पावर थ्री, वन की पावर फोर, सो ऑन टिल, ये भी वन रहेगा। एंड जीरो की पावर जीरो, सॉरी जीरो की पावर वन, जीरो की पावर टू, जीरो की पावर थ्री, जीरो की पावर फोर, जीरो की पावर फाइव, एंड सो ऑन, इसका जीरो रहेगा। तो ये चारों का सेम टाइप का शो होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वन का, टू का, थ्री का, फोर, फाइव, सिक्स, हमने देखा सेवन का, तो सेवन की पावर वन, सेवन की पावर टू, सेवन की पावर थ्री, सेवन की पावर फोर, सेवन की पावर फाइव, सेवन की पावर सिक्स, सेवन की पावर सेवन, सेवन की पावर एट, एंड सो ऑन। सेवन की पावर वन क्या होता है तुम्हारा, सेवन, फिर फोर्टी नाइन। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ सेवन से मल्टीप्लाई करो यूनिट डिजिट नोट को, ठीक है। वो आ गया थ्री, फिर सेवन से मल्टीप्लाई किया यूनिट डिजिट आ गया वन, फिर सेवन से मल्टीप्लाई किया सेवन, फिर ये रिपीट करता रहेगा। इनको याद रखने की जरूरत नहीं, ऑन द स्पॉट भी तुम निकाल सकते। राइट, तो क्या आ गया, सेवन की पावर फोर के, सेवन की पावर फोर के प्लस वन, सेवन की पावर फोर के प्लस टू, सेवन की पावर फोर के प्लस थ्री, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज वन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज रिमाइंडर वन वाला सेवन, रिमाइंडर टू वाला नाइन, रिमाइंडर थ्री वाला थ्री। तो इस तरीके से ये सारा का सारा जाएगा, ठीक है, सेवन का। ऐसे ही एट का, तो एट की पावर वन, एट की पावर टू, एट की पावर थ्री, एट की पावर फोर, एट की पावर फाइव, एट की पावर सिक्स, एंड सो ऑन। एट की पावर वन एट, एट की पावर टू कितना जाएगा तुम्हारा, ठीक, फोर, टू, सिक्स, एट, फोर, टू, सिक्स, एंड सो। इस तरीके से ये चारों के चारों जाएंगे। क्या बन जाएगा, एट की पावर फोर के, एट की पावर फोर के प्लस वन, एट की पावर फोर के प्लस टू, एट की पावर फोर के प्लस थ्री, तो एट की पावर फोर के क्या जाएगा, सिक्स, फोर के प्लस वन का एट, फोर के प्लस टू का फोर, फोर के प्लस थ्री का टू। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जाएंगे। नाइन का, नाइन की पावर वन, नाइन की पावर टू, नाइन की पावर थ्री, नाइन की पावर फोर, नाइन की पावर फाइव, तो नाइन की पावर वन का नाइन, वन, नाइन, वन, नाइन, वन, सॉन्ट। इस तरीके से जाएगा। तो नाइन की बार अगेन ओड इवन जाएगा, तो टू के, नाइन की बार टू के इवन, तो हो जाएगा वन, नाइन की बार टू के प्लस वन, तो ओड क्या जाएगा, नाइन। इस तरीके से सारे के सारे यूनिट डिजिट। लास्ट में क्या चीज़ आ रही है, उसके बेसिस पे मैं यूनिट डिजिट हमेशा निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल, जल्दी निकालो यूनिट डिजिट, जल्दी। हाँ जी, तो इसके अंदर क्या जा रहा है, ये फोर के प्लस वन टाइप की है, तो फोर के प्लस वन टाइप में यूनिट डिजिट आ जाएगा टू,
ई बी फोर के प्लस वन टाइप का, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा सेवन, तो दोनों का ऐड करके यूनिट डिजिट आ रहा है, क्लियर है? ये किया सर आप? जी सर। ठीक है, गुड गुड, ठीक है चलो। तो ये था यूनिट डिजिट निकालने का तरीका, तो इसके लिए हमने पैटर्न वगैरह देख लिया, तो उससे हमें यूनिट डिजिट का पता चल गया सारा का सारा कैसे निकलेगा। अब अगर लास्ट टू डिजिट्स निकालने के लिए बोले वो इन जनरल, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक, बाइनोमियल में कन्वर्ट करके एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, लास्ट टू डिजिट्स, ठीक है, तो बाइनोमियल के थ्रू एक्सपेंड करना पड़ेगा, अदरवाइज हम नहीं ये काम कर सकते। जैसे एग्जांपल देखो, मेरा 3 की पावर 73 का वो बोल रहा है, लास्ट डिजिट तो पता चल जाएगा, 3 की पावर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, लास्ट डिजिट पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे रिमाइंडर वन आ रहा है, तो रिमाइंडर वन के कारण लास्ट डिजिट 3 जाएगा, तो क्लियर है लास्ट डिजिट 3 जाएगा, लेकिन लास्ट टू डिजिट्स नहीं हम बता सकते, सेकंड लास्ट डिजिट इस तरीके से नहीं बता सकते। अब अगर सेकंड लास्ट डिजिट हमें बताना है, तो हमें थोड़ा बाइनोमियल लगाना पड़ेगा, राइट। अब हमें मालूम है कि 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है, और 9 को मैं 10-1 लिख सकता हूँ, राइट। तो हमेशा 10 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है, ये चीज याद रखना, हमेशा 10 के फॉर्म में लिखने की कोशिश करनी है हमेशा, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, ठीक, क्या चीज जाएगी, इसको लिखेंगे हम 1 पावर 3, पहले 1 कॉमन ले लिया, अलग ले लिया, तो ये बनाया 3 की पावर 72, इसको लिखा 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 की पावर 36, ये क्या बना 3 × 9 की पावर 36, तो दैट इज 3 × 10-1 की पावर 36, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको करेंगे एक्सपेंड, इसको करेंगे एक्सपेंड, अब ध्यान से देखना जरा, इसको एक्सपेंड करके दे जाएगा, दैट इज 3 × 36C0 10 की पावर 36 − 36C1 10 की पावर 35 एंड सो ऑन टिल, ठीक, क्या जाएगा 36C34, ठीक, इधर आ जाएगा 10 की पावर, ठीक है, 2 − 36C35 10 की पावर 1 + 36C36 10 की पावर 0। अब ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो कि इन सबके अंदर ये वाले जो जितने भी टर्म्स है, इन सबके अंदर मिनिमम 100 तो आएगा ही आएगा, यानी कि आई कैन राइट दिस एज 100 K, ठीक है, 100 × something रहेगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज 36 × 10, तो दैट इज −360 प्लस दिस इज नथिंग बट 1, तो ये बन गया हमारा, ठीक, याद रखना। यहाँ से हमें हमारा थर्ड जो लास्ट टू डिजिट्स हैं वो मिलेंगे, और 3 से मल्टीप्लाई कर तो ये आ गया 300K माइनस, ये कितना आ जाएगा 1080i प्लस 3, सॉरी i नहीं आएगा, 1080, सिर्फ ये चीज़ है। अब 3 जब ऐड कर दो, चलो वैसे 1 को ऐड कर ही देना चाहिए था इधर, तो ये आ गया 300K माइनस, कितना आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज 1077, ठीक है। अब देखो बेसिकली इसके लास्ट टू डिजिट्स जो हैं हमारे वो 00 हैं, राइट, क्योंकि के क्या होगा, कोई ना कोई इंटीजर होगा, वो जब इससे मल्टीप्लाई होगा लास्ट टू डिजिट जाएंगे 00, मतलब समथिंग 00 ऐसा है, उसमें से हमें 1077 को माइनस करना है, तो क्या बचेगा 23, पहले जो मर्जी है तो लास्ट टू डिजिट्स 23 जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 3 की पावर 73 जब करोगे तो इसके लास्ट टू डिजिट्स जो है वो जाएंगे 23। हाँ जी सर, क्लियर हुआ? उदय? यस सर। कृतेश, आर्यन, कोई डाउट है इसमें प्लीज बोलो। क्लियर है सर। क्लियर है ना? ठीक 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 ठीक। सिमिलरली 3 की पावर 57 में, ठीक, लास्ट डिजिट्स कैसे, लास्ट टू डिजिट्स कैसे निकालोगे, जल्दी एक बार ट्राई करो, शाबाश जल्दी। हाँ जी, तो इसको करने के लिए हमें अगेन 9 में कन्वर्ट करना है, तो इसको लिखा 3 × 3 की पावर 56, तो दैट इज 3 × 9 की पावर, क्या कहला 3 का स्क्वायर की पावर जाएगा 28, तो इसको लिखा 3 × 10-1 की पावर 28, तो दैट वुड बी 3 × 28, ठीक, C0 10 की पावर 28 − 28C1 10 की पावर 27 + 28C2 10 की पावर 26 एंड सो ऑन टिल लास्ट में आएगा 28C26 10 की पावर, ये आ जाएगा 2 − 28C27 10 की पावर 1
प्लस 28 सी 28 10 की पावर 3। तो अब इन सब के अंदर क्या आ रहा है, 100 कॉमन आ रहा है राइट, तो ये बन जाएगा 100 आई 3 इंटू, और ये आ रहा है तुम्हारा 28 तो माइनस 280 एन प्लस 1 ठीक। तो ये कितना जा रहा है, दैट इज 3 इंटू 100 आई माइनस 279 ठीक है, प्लस 1 करके ये जो 1 था इसको ऐड करके 279 ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 300 चला जाएगा आई माइनस ये कितना जाएगा 9 3 27 7 3 21 22 23 ठीक, एंड यहाँ पे समथिंग आ जाएगा। तो 100 में से बेसिकली 37 माइनस करोगे तो कितना जाएगा 60, तो बिल्कुल लास्ट डिजिट तो वो 60 के आएंगे। हाँ जी क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, रितेश उदय क्लियर हुआ, आर्यन यस सर, चलो गुड गुड ठीक है। अच्छा अब देखो कि इन केस अगर वो रिमाइंडर निकालने को बोले ठीक है, जैसे फाइंड रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 157 इज डिवाइडेड बाय 7 ठीक है, तो दैट इन दैट केस हम क्या करेंगे, ये जो 2 की पावर 157 है इसको 7 प्लस 1 या 7 माइनस 1 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। अब 7 माइनस 1 होता है 6, तो 2 को 6 की टर्म्स में, 6 को 2 की टर्म्स में या 6 को 2 को 6 की टर्म्स में लिख नहीं सकते हैं, लेकिन 8 के टर्म्स में जरूर लिख सकते हैं क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8 राइट। तो इसकी पावर 2 का क्यूब बनाना पड़ेगा। अब यहां से 2 का क्यूब आ सकता है क्या, अभी तक तो नहीं आ सकता फिलहाल। तो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, देखो 2 की पावर अलग कर दिया एक और 2 की पावर बाकी बचा 156, तो बना 2 इंटू 2 की पावर 3 की पावर ठीक है क्या चीज चली जाएगी 52 ठीक है, इस तरीके से चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 8 की पावर 52 एंड दैट इज रिटन एज 2 इंटू 1 प्लस 7 की पावर 52 राइट। तो अब ध्यान से देखना, अब इसको मैं 7 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा वो मैं इजीली निकाल सकता हूं। तो बेसिकली करना क्या है, यू हैव टू ट्राई टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ दिस, तो जाके रिमाइंडर इजीली मिलना शुरू हो जाएगा। अब देखो जरा इसको लिखा 2 इंटू ये जाएगा 52 सी 0 7 की पावर 0 प्लस 52 सी 1 7 की पावर 1 प्लस 52 सी 2 7 की पावर 2 प्लस सो ऑन टिल 52 सी 52 7 की पावर 52 ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये सारी की सारी चीज मिला के 7 कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 के प्लस दिस इज 1 इंटू 2 राइट। तो अगेन ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस 7 इंटू 2 के राइट, तो ये टोटल चीज बन गई ये, तो रिमाइंडर ऑब्वियसली क्या जा रहा है 2, याद आ रहा ना, ये डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2, तो इस केस में रिमाइंडर 2। हाँ जी क्लियर हुआ, कैसे करना था प्लीज कंफर्म करो। यस सर। ना ये बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको। इसके अलावा जस्ट लास्ट थिंग जो हमारी पूरे चैप्टर के अंदर बची हुई है ठीक, वो है मैंने वही बोला था लास्ट में छोटी छोटी चीजें आएंगी ठीक है। अब क्या चीज है कि एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर पी इन एन फैक्टोरियल इज गिवन बाय एन बाय पी का बॉक्स, बॉक्स मतलब जीएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एन बाय पी स्क्वायर का बॉक्स प्लस एन बाय पी क्यूब का बॉक्स प्लस फॉन्टिल चलता जाएगा। अब क्या चीज है ठीक, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अज्यूम करो वो बोल रहा है कि बाय द वे प्राइम नंबर होना चाहिए ठीक है, तो एग्जांपल ठीक है फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 30 फैक्टोरियल। अब क्या मतलब क्या है इसका ठीक है, ध्यान से देखना, जब मैं 30 फैक्टोरियल लिखूंगा 30 फैक्टोरियल विल बी 1 इनटू 2 इनटू 3 इनटू 4 इनटू 5 इनटू 6 इनटू 7 इनटू 7 इनटू ये 30 तक जाएगा। तो जब इसको मैं लिखूंगा ये 7 की पार कुछ जाएगा इनटू बाकी सारी चीज जाएगा, तो 7 की पार क्या होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ कि 7 का एक्सपोनेंट क्या होगा 30 फैक्टोरियल में, मतलब 7 टोटल कितनी बार आ रहा है। कहने का मतलब ये कि एक पर्टिकुलर प्राइम नंबर जो है ये इस फैक्टोरियल के अंदर कितनी बार आ रहा है, वो चीज हमें निकालनी। और वो निकालने का तरीका अभी हमने क्या बताया कि क्या करना है कि सबसे पहले 30 को पकड़ो, उसको 7 से डिवाइड करके उसका बॉक्स करो,
फिर 30 को पकड़ो, उसको 7 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर करो, फिर उसका बॉक्स करो, प्लस काउंटिल करते रहो जब तक सारे के सारे जीरो वगैरह नहीं मिलते। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 point something। तो 4 point something का बॉक्स कितना होता है 4, ये होता है 49। तो 30 divided by 49 करोगे वो तो पॉइंट समथिंग होता है, उसका बॉक्स जीरो। प्लस अगला करोगे 30 divided by 7 का क्यूब, तो डेफिनेटली ये पॉइंट समथिंग होगा, तो इसका बॉक्स जीरो जाएगा, तो अगले सारे जीरो जाएंगे। तो आंसर क्या है 4, यानी कि इसकी एक्सपेंशन के अंदर 7 की पार 4 रहेगा, बाकी सब और अलग अलग रहेगा, इसके अलावा 7 और नहीं आ सकते। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ क्या हो रहा है? क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा अब जैसे देखो कि क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ लेट्स से 100 factorial। तो 100 factorial के लास्ट में एक कितने जीरोस आएंगे वो अपने को बताना, राइट? अच्छा अब हमें मालूम है कि जो जीरोस आएंगे लास्ट में वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, एक होगा 2 का, एक होगा 5 का, राइट? तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 factorial के अंदर देखूंगा कितने 2 आ रहे हैं, 100 factorial के अंदर देखूंगा कितने 5 आ रहे हैं, ठीक? एंड फिर उन दोनों के कॉम्बिनेशन से कितने जीरोस क्रिएट हो सकते हैं, उससे हमारा टोटल नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। हाँ जी क्लियर हुआ क्या करना है इसके अंदर? यस सर। ठीक है, तो मैंने पहले देखा 2 कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 100 by 2 का बॉक्स, प्लस 100 by 2 स्क्वायर का बॉक्स, प्लस 100 by 2 का क्यूब का बॉक्स, प्लस 100 by 2 की पार 4 का बॉक्स, 100 by 2 की पार 5 का बॉक्स, 100 by 2 की पार 6 का बॉक्स, 100 by 2 की पार 7 का बॉक्स, एंड सो ऑन। तो ये जाएगा तुम्हारा 50 plus 25 plus, ये जाएगा तुम्हारा 12 point something। ठीक है, ये बेसिकली क्या हुआ, 100 divided by 4 करो 25, 25 divided by 2 करो तो 12.2 किया तो 50, 2 divided by 2 किया 25, 5 divided by 2 किया 12.5, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, ये 12 point something का फिर से 2 से डिवाइड करो 6 point something, तो 6। फिर 6 point something को फिर से 2 से डिवाइड किया तो 3 point something, तो 3 point something का बॉक्स आ जाएगा 3। फिर ये कितना आ रहा है तुम्हारा, ये चला जाएगा तुम्हारा दैट इज 64, तो उसका आ जाएगा 1, एंड इसका आ जाएगा 0, एंड बाकी सब आगे 0 जाएंगे। तो कितना जा रहा है, दैट इज 75 plus 9 and 10, तो दैट इज 22, दैट इज 97। हाँ जी क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। ठीक है, तो यानी कि 2 की पावर 97 जाएगा, ऐसे पावर 5 देखना। तो 100 by 5 plus 100 by 5 square प्लस 100 by 5 cube एंड सो ऑन। तो कितना जा रहा, 20 plus 4 plus 0 plus 0 plus 0, सो ऑन, ये जाएगा 24। अब ध्यान से देखो, ये 100 फैक्टोरियल के अंदर ये जा रहा है 2 की पावर 97, 5 की पावर 24, राइट? एंड बाकी सारी की सारी चीजें जा रही है, और जीरो तुम्हें मालूम है, और कोई भी फैक्टर जो है वो कभी जीरो नहीं क्रिएट कर सकता, कोई भी प्राइम नंबर मिलकर जीरो नहीं क्रिएट कर सकता, राइट? तो जीरो इसी से क्रिएट होगा। अब देखो जो छोटी अमाउंट है, देखो इसके अंदर से मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 24 अलग कर दूंगा, 5 की पावर 24 अलग कर दूंगा, और बाकी जो 2 की पावर बचा, कितना बचा 24 से 373, एंड बाकी ये सारी की सारी चीजें आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चीज जीरो क्रिएट करेगी, ये जो बाकी एक्स्ट्रा 2 बच गए, क्योंकि इनके साथ और कोई 5 का पेयर बन नहीं सकता, इसलिए ये छोड़ दो। तो हमारे पास सिर्फ यही आंसर आया, तो इसके कारण कितने जीरो क्रिएट होंगे, दैट इज 24, राइट? तो 24 जीरो एग्जिस्ट इन 100 फैक्टोरियल। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी क्लियर हुआ कैसे किया ये, प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट तो नहीं? कृष सर आप? क्लियर है सर। ठीक है चलो, तो इसी के साथ बाइनोमियल हम खत्म करते हैं, एंड इसके जो क्वेश्चन है वो कल हम करेंगे, ठीक है? कल प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलो डन, एंड होमवर्क भी कल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? डन डन।